के ऊपर। तो लाइव स्क्रिप्ट जो है, अभी जैसे कि हमने बात किया कि ये शेक्सपियर ने कहा था कि लाइफ इज अ थिएटर एंड वी ऑल आर राइट, वी प्ले डिफरेंट रोल्स हियर, है ना। सो एक्चुअली ये टीए में भी कंसेप्ट है विच इज द थ्योरी ऑफ स्क्रिप्ट। और ये एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, जो टीए है जबकि वो कंसेप्ट 1958-60s में आया, लेकिन उसके बाद इसमें बहुत से एडिशंस हो चुके हैं। सो देर इज अ टीए विच इज कॉल्ड एज अ टीए प्रॉपर, मतलब बेसिक टीए जो पहले टीए था, उसके बाद बहुत से साइकोलॉजिस्ट बाद में आए एंड दे एडेड लॉट ऑफ थिंग्स। सो इट हैज इवॉल्व्ड अ लॉट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसमें बहुत सी एडिशंस हुई हैं। ओके, सो बट ये जो सब पर्सनैलिटीज और कुछ कंसेप्ट हैं वो उसके बेसिक कंसेप्ट हैं जो उसमें शुरू से ही है। सो ये जो थ्योरी ऑफ स्क्रिप्ट हैगा, बेसिकली व्हाट इट इज ट्राइंग टू शो इज, ये एक इस लाइव स्क्रिप्ट बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हम बचपन में जब हम पैदा होते हैं और जैसे जैसे हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं अपनी लाइफ में, अपने आसपास, हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि लाइफ हमारी में हम क्या करेंगे, हम क्या बनेंगे, हमारी लाइफ किस तरह से जाएगी। अब आप ये चीज को ध्यान से सोचो। आज आप सब हम लोग सब मे बी 30-40 ईयर्स या ये एज के ग्रुप में होंगे, या कोई 50 या ऐसे एज ग्रुप में होगा, राइट। सो आप सोचो कि बचपन में, आप ध्यान देने की कोशिश करो, जब आप छोटे थे, 6-7 साल के थे, 5-7 साल के थे, तब आपने लोगों को, जो भी आपके आसपास आपके माँ बाप जैसे बात करते थे या क्या करते थे, क्या आपने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए लाइफ में कि आप आज वो चीजों को देख सकते हो आसपास, आपकी लाइफ वैसी ही हो रही है? ऐसा लगता है आपको? किसी को, कोई बोल सकता है अपनी लाइफ के बारे में? एक बार रिपीट करेंगे मोनिका, आपने क्या बोला? आई मिस्ड इट। देखो, जैसे लाइफ में एक स्टोरी होती है, आप एक पिक्चर देखते हो, है ना, आप थिएटर में पिक्चर देखने जाते हो, राइट। वो पिक्चर आप देखते हो, पिक्चर की स्टार्टिंग होती है, पिक्चर का एंड होता है, पिक्चर का बीच में होता है। अभी वी आर ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द पिक्चर, है ना। हम लोग सब लोग हैं जो अराउंड 30+ ही होंगे और अराउंड से 40-50 सब ये, सो वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द मिडिल और मिडिल से ऊपर की तरफ पर, राइट। तो अगर आप ध्यान दो अपनी लाइफ की तरफ और अपने बचपन की तरफ ध्यान दो, तो जो आज आपकी लाइफ है, कैन यू फील कि देयर इज समथिंग? आप एक्चुअली कॉन्शियस लेवल पे आपने ये डिसाइड नहीं किया होगा, क्योंकि हम कोई कॉन्शियस लेवल पे ये डिसीजंस नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे आपके साथ जो लोग आ रहे हैं, आपके जो रिलेशंस में हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, या जो भी है, वो कहीं ना कहीं वो आपके प्लॉट के हिसाब से। आज आप रात को ये बैठ के सोचना है, अभी मत सोचो, आप आज रात को ये सोचो। सोचना तो पड़ेगा क्योंकि ब्लैंक हो गया एकदम, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सोचा करते थे। बट मोनिका, थोड़ा सा मैं इससे रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं ये थॉट मेरे में 3-4 दिन से आ रहा था कि अच्छा। मतलब इट वाज नॉट एग्जैक्टली व्हाट एम आई इनटू राइट नाउ, बट समवॉट लाइक दिस, यू नो, कि दैट there was a thought that I'll be in pictures somewhere where I'll be in, जैसे हम कहते हैं, हम सोशल मीडिया पे आ गए, मतलब in limelight, but teaching and telling people about the facts of the life, like उसमें, but not as a teacher, but कहीं पे when you are performing, you're doing the things and whatever you're doing, so it was there. एंड वो कहीं ना कहीं अब मैं इन उस प्लेटफॉर्म पे आ गई। ओके, सो जब भी हम कल जो है ना, व्हेन वी विल डू द ड्रामा ट्रायंगल, ओके। सो जो ड्रामा ट्रायंगल है उसमें देयर आर 3 पोजीशंस आर देयर, लाइक जो हम बोलते हैं ना कि हमारी लाइफ में परप्यूरेटर, विक्टिम, हम हमेशा ये मोड्स में रहते हैं, राइट। सो अगर आप देखोगे बचपन में जैसे भी आपके माँ बाप ने सब एक्चुअली ये लाइफ प्लान आपका कॉन्शियसली आप ले डाउन नहीं करते हो, ओके लेकिन कहीं ना कहीं आप, और इसमें एक विनर प्लान भी होता है, लूजर प्लान भी होता है, ओके। विनर एंड लूजर डजंट मीन इन टर्म्स ऑफ मटेरियल वेल्थ कि आई बिकम मटेरियल दिस, लेकिन मेरा एक प्लान है कि मैं इस तरह के, आप देखोगे इवन आपके हस्बैंड है, आपके बच्चा है, आपके माँ बाप, हम लोग तो वैसे भी बोलते हैं सोल जर्नी में कि आप चूज करते हो अपने माँ बाप, राइट। तो कहीं ना कहीं बहुत सी डिसीजंस आप सोल, हम भी टॉक अबाउट बिफोर बर्थ इटसेल्फ कि यू मेक अ चॉइस, राइट। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि व्हेन एज अ चाइल्ड ऑल्सो व्हेन यू आर बॉर्न, आप जो चीजों को ऑब्जर्व करते हो then accordingly you make a choices कि this is how I will want in my life to happen, okay so